हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप डेट कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक नया लैपटॉप लेते हैं तो उसे कैसे स्टार्ट करना है और कैसे विंडोज इंस्टॉल होंगी, कैसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना है जिससे आपका एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड भी चल सके, एमएस आउटलुक, ये सारी चीजें चल सके। दैट्स मीन कि एमएस ऑफिस आपका पूरा चल सके। तो कैसे हमें आईडी क्रिएट करनी है एमएस ऑफिस के लिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने नया लैपटॉप लिया है आसुस का। आपके पास अगर कोई सा भी लैपटॉप है तो वो उसमें जब स्टार्ट करोगे आप नया लैपटॉप, तो ये सारी चीजें आपसे ऑप्शन में पूछी जाएंगी। आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या डिक्लाइन करना है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ 30 सेकंड में। उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा लैपटॉप की कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन को डिक्लाइन करना है, क्या चीजें आपको फिल करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लीज बी इन द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने अपने वीलॉग्स वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पर विजिट करके वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी देख सकते हो। ये मैंने लैपटॉप मंगवाया था, आपको मैं दिखा दूंगा। अभी मैं आपको बिल्कुल रीस्टार्ट करना बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से 1x1 की नया लैपटॉप कैसे स्टार्ट किया जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया, ओपन किया अपने लैपटॉप को, तो जस्ट अ मोमेंट ऐसे करके लिख कर आएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल ओपन हो ही रहा है अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है अभी, ये विंडो का ऑप्शन बन के आएगा यहाँ पर निशान, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा होगा, आपको इसी पर क्लिक रहने देना है एंड यस पर क्लिक कर देना है क्योंकि आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स वाली चाहिए है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा इस दिस द राइट कंट्री और रीजन, तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, इंडिया, क्योंकि आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, तो आपने क्या किया, इंडिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करना है, ये याद रखना आपको। अब गाइज, आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आएगा, इज दिस राइट कीबोर्ड लेआउट और इनपुट मेथड, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया वाला सिलेक्ट करना है। कौन सा, इंग्लिश इंडिया, अब यस पर क्लिक कर देना है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। वन टू एड अ सेकेंडरी और कीबोर्ड लेआउट यहाँ पर स्किप कर देना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर वाईफाई मांग रहा है कनेक्ट करने के लिए, आपके अगर वाईफाई है तो इसे जरूर कनेक्ट कीजिए क्योंकि विंडो इंस्टॉल होगी आपको। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना वाईफाई पासवर्ड डाल दिया है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है और इसे मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से मेरा कनेक्ट हो जाएगा, देखिए गाइस कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स लिखा हुआ आ रहा है, डैट्स मीन कि हमारा विंडो अब चेक कर रहा है कि यहाँ पर कोई अपडेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब चेक कर रहा है कि अपडेट होगा तो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि नया जब आप लैपटॉप लेते हो तो वहाँ पर अपडेशन होना ज़रूरी है, वहाँ पर होता ही होता है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है सिट बैक एंड रिलैक्स व्हाइल द मैजिक हैपेंस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कोर्स लिखे हुए आएंगे, गुड थिंग्स कमिंग योर वे, योर पीसी विल रीस्टार्ट बिफोर यू कंटिन्यू। तो गाइज, अभी मेरा पीसी रिस्टार्ट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर लिख कर आ रहा है जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर रुकिएगा। अब मैं कुछ समय रुकता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है आसुस का लैपटॉप। अगर आपके पास भी आसुस का लैपटॉप है, आप भी रिस्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑप्शन वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई गलती ना करें। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है प्लीज़ रिव्यू द लाइसेंस एग्रीमेंट, तो यहाँ पर मुझे एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इस एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं, वैसे अगर नहीं आप करोगे एक्सेप्ट तो आगे बढ़ोगे नहीं, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही करना है, इससे आप क्या ही रीड करोगे। आप अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लेट्स नेम योर डिवाइस, अब यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, ठीक है। डिवाइस का नेम मतलब कि आप अपना नाम दे सकते हो आकाश, जो कि आपके लैपटॉप पर लिखा हुआ आएगा आकाश, ठीक है। तो ये आकाश मैं लैपटॉप का नाम दे देता हूँ क्योंकि मेरा नाम है आकाश, तो मैं यहाँ पर आकाश लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चाहता तो टेक्निकल भारद्वाज जी भी लिख सकता था, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, जैसे कि मैंने आकाश भारद्वाज पूरा लिखा और स्पेस दे दिया बीच में, तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं लेगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 15 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं हो जाना चाहिए। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड रेड से आ रहा है, मुझे बता रहा है कि आप ये नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ आकाश लिखना है, भारद्वाज नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस मैं दे नहीं पाऊंगा, तो पूरा नाम आकाश भारद्वाज विदाउट स्पेस लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आकाश लिखता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, भारद्वाज को मैं
कर देता हूँ और आकाश पर रहने देता हूँ। आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, अपना नाम डालकर या आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपना पीसी का, लैपटॉप का, तो आप वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट अ मूवमेंट लिख कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि विंडो अपडेट हो चुकी हैं पूरी जो भी हमारी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही कनेक्ट कर लिया वाईफाई। अगर आप वो ऑप्शन स्किप कर देते तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके पास नेम आता, हम नेम डालते और आगे जो ऑप्शन आएंगे वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे कि अब यहाँ पर अपडेशन हो चुका है, अब यहाँ पर मुझे और भी बहुत काम करना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का हमें अभी वो बनाना है, अपनी आईडी बनानी है आउटलुक वाली, ठीक है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे बनानी है। यहाँ पर अभी वही ऑप्शन आने वाले हैं, आई एम 100% श्योर, क्योंकि अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे कर चुका हूँ। देखिए है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का आ गया। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की आईडी क्रिएट करनी है। अगर आपके पास अभी तक आईडी नहीं है तो यहाँ पर आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी आउटलुक वाली, जैसे कि आकाश भारद्वाज @outlook.com होगा वहाँ पर, ठीक है, क्या होगा outlook.com होगा, डेट्स मीन कि ये माइक्रोसॉफ्ट की आईडी हो जाएगी, जिससे हमारे ये सारे ऑफिस के सॉफ्टवेयर होंगे, MS Excel, MS Office, ठीक है, और ये MS Teams हो गया, MS Outlook हो गया। तो गैस ये हमारे सभी एक ही आईडी से कनेक्टेड हो जाएंगे, डेट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि आपको यहाँ पर आईडी क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी। तो गाइज़ यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, न्यू ईमेल मिलेगा एंड outlook.com, यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो एक और आपको ऑप्शन मिलेगा हॉटमेल वाला, वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्रिएट अकाउंट पर ही रहने देना है एंड यहाँ पर outlook.com ही रहने देना है। ईमेल ये आपको लिखा हुआ आ रहा है, न्यू ईमेल, इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है। अब आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम से पहले ही एक आईडी क्रिएट होगी, जैसे आकाश भारद्वाज @outlook.com किसी ने पहले से क्रिएट कर रखी है, डोमेन ले रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्रिएट होगी नहीं दोबारा, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना नाम डालूंगा आकाश भारद्वाज और अपने जो हमारा नंबर है मोबाइल नंबर उसके 4 डिजिट आगे के डाल दूंगा, जिससे कि उस नेम से कोई भी आईडी क्रिएट नहीं हुई होगी तो यहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं वैसे ही करता हूं, आपको भी वैसे ही करना है, फर्स्ट प्लेयर नेम एंड लास्ट नेम, उसके बाद अपने 4 डिजिट का नंबर, जो भी आगे का नंबर हो आपके मोबाइल नंबर वो डाल देना एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर गाइस आपसे बोलेगा क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा जो आपको हमेशा याद रहे, जिससे कि आप कभी भूलें ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कोई पासवर्ड डालो जिससे कि आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गाइस आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, आपका अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है सिंपली और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आपसे बोलेगा कंट्री रीजन, यहाँ पर आपकी क्या कंट्री है, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इंडिया से ही होंगे, अगर आप नेपाल से हैं, जापान से हैं, भूटान से हैं, जहाँ से भी हों आप यहाँ पर वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर, तो गाइज मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ हाइड कर दी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई पर्सनल डिटेल आपके पास तक पहुँचे या किसी के भी पास, क्योंकि ये यूट्यूबर यहाँ पर पूरी दुनिया में से कोई भी देख सकता है मेरी पर्सनल डिटेल, डेट्स द रीज़न यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पर मैं डिटेल डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर गाइस क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऐड ईमेल या ऐड फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नंबर आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ये यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल देना है फ़ोन नंबर में, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। गाइस फ़ोन नंबर डाल दिया है, अब यहाँ पर गाइस हमसे बोलेगा फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी है, दैट्स द रीज़न आई वॉट दिस लैपटॉप, सीरियसली टेलिंग यू गाइस, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं अपनी फिंगरप्रिंट ऐड कर देता हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट अपनी ऐड कर दी है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा, फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक पिन भी देना होगा, यहाँ पर मैं अपना एक पिन दे देता हूँ, जिससे कि जब भी लैपटॉप ओपन करूँ अगर फिंगरप्रिंट वर्क ना करे मेरा तो हम पिन से भी ओपन कर सकते हैं, दैट्स द रीज़न यहाँ पर पिन मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं पिन दे देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ लोडिंग फिर से लेगा और यहाँ पर बोलेगा चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है सिंपली गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए इसे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर पूछेगा लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लीजिए एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। एक्सेप्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है गाइस, यहाँ पर फिर से कुछ लोडिंग लेगा, फिर नए ऑप्शन आएंगे, उन्हें कैसे करना है ये मैं बताता
पता चल रहा हूँ और आप वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपका अभी नया लैपटॉप है, आपने लिया है, तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर बोल रहा है योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड वन ड्राइव, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर से थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग तो लेगा ही लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट न्यू बन रहा है ना। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है देखो, यहाँ पर एमएस ऑफिस आ रहा है, एमएस एक्सेल आ रहा है, एमएस पावर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया गाइस, ठीक है। गाइज यहाँ पर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांगेगा, आपको वो दे देनी है, जैसे कि नाम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, तो यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ें दे दी हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पर ये सिंबल आ रहा है, क्योंकि मैं वो अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए शो नहीं करना चाहता, ठीक है। वो प्राइवेसी है, पर्सनल डिटेल प्राइवेसी होती है जो शो नहीं की जा सकती हर किसी के सामने, दैट्स द रीज़न वो हाइड है अभी। आपको वो सारी फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है सिंपली। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अगेन, ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक। गाइस मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ और भी ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट, अपडेट के लिए चेक कर रहा है अगेन कि अगर कोई भी अपडेट रह गया हो तो वो अभी ही अपडेट कर देगा इस, ठीक है। तो गैस यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है, यहाँ पर हाई लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि अब मेरा सिस्टम लॉगिन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे भी हम लैपटॉप ओपन करते हैं नॉर्मली, वैसे यहाँ पर अब ओपन होगा। यहाँ पर देखिए गैस, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। जब भी आप ये वर्क करें, स्टार्ट करें, तो अपना लैपटॉप चार्जिंग पर जरूर लगा दें, जिससे कि चार्ज भी होता रहे, आपकी बैटरी डाउन ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेट्स होती हैं, वहाँ पर अगर आप बैटरी डाउन हो जाती है, एकदम से बंद हो जाता है आपका लैपटॉप, तो वहाँ पर गाइस प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर बोल रहा है कि डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय लेगा आपका, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पर बोल भी रहा है प्लीज़ कीप योर पीसी ऑन एंड प्लग्ड इन, ठीक है, चार्जिंग पर लगा रहने देना। ऑलमोस्ट देयर, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, बस ओपन होने ही वाला है गाइस। ये देखिए गाइस, मेरा लैपटॉप ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरा नया लैपटॉप ओपन हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल कि ये मेरा नया लैपटॉप है, फर्स्ट लैपटॉप मैंने लिया है, ठीक है। अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट्स लिया, कितना पेमेंट आया था वो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा लैपटॉप जब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें और भी चीज़ें बहुत सारी इंस्टॉल करनी है, वो मैं इंस्टॉल करूँगा। तो गाइज़ हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, हम यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं, होम स्क्रीन पर, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने हैं वो आप अब कर सकते हैं, ठीक है गाइज। आई होप दैट गाइज समझ गए होंगे कि अगर हम नया लैपटॉप लेते हैं तो उसे हमें कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से ऑप्शन वहां पर फिल करने हैं, कौन से एक्सेप्ट करने हैं, कौन से डिक्लाइन करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।